दिन भर घूम घूम संस्कृत बाजत मन बजा जन्म भूत गया कपित जम्म फल चालू भक्षण साझी का दारू पी के मैं हरा रूप हो जाता हूँ। यही में कितना साधु जेल में चल गया, ये हमारा देश है। साधु जी वही बरगद के पेड़ के नीचे सवेरे के बेरा बैठ के तुलसी जी का माला फेरत रहे, वही समय को घटना घटल। अरे बबुली बरगद पर से अब गंदा किया है, अरे साधु बसे हमारा साधु जी उनकी कपड़ा क्यों बनाए वो बकुली चिड़ई बैठे रह बकुली मैंने बकुला का मेहरान संजोग से उनके पैखाना लागल आहा कारखाना घुमा चलो साधु के ऊपर। अच्छा चिड़ई जात बहुत मनुष्य बोलो सर नहाए खाते की जी तो कौवा के सारे कपड़े से टीप के कपड़े को गंदा कर दे। साधु जी माला फेरत रहन बाद ऊपर बकुली चिड़ई बैठे रहन पैखाना लगल साधु जी की पीठी पप्पू के दिखल सीरी की दिखल साधु ध्यान में हो गंदा के एक बाद ओके पेशाब लागल साधु जी की पीठी पर पेशाब कर दे हम का चले जान के के नीचे बा जब पाला लागल साधु जी पीठे मुड़ के देखल ऊपर तक अजमी तो अजमी देखा है चिड़ई के पीठी पर गंदा कर दिया श्राप देता हूँ जल करके राख हो जाओ। इतना वरदान में साधु बोले रहन उनके सामने बकुली चिड़ई गई रह ओकरी देह में आग लगल जल के राखी हो गई। देखा यही पे विजय भाई अब हमके बात याद आ गई हो एगो राजी राज दरबार में हर सुविधा वो बहुत भारी पोखरा राजा थे रानी के मन के आज हमें पोखरा में उधारी नहाई राजा महाराजा बतूजा नहा भाई के रोक रानी गई पोखरा में नहाए खातिर के वही घाट पर अपन साड़ी रखले रही जब नहा के निकल रही तो साड़ी पर चिड़ई गंदा के दिल बहक दिल अब गई रानी को भवन में आठान बिठान लौड़ी दासी लौड़ी पूछत का हो गई राजा कह रानी क्या है दासी बताओ ना को भवन में राजा गईला का हो गई कहे नाराज बड़ू कहे रुसत बड़ू कली की पता लगावे के बाद कि हमारी साड़ी को कवन चिड़ई गंदा कीजिए अगर पता ना लगे तो न खाई न सुन तो न रह अठान बिठान रानी लौड़ी राजा ने आदेश कर दिया एक क्षेत्र में जितना चिड़ई चुरूं सबको पकड़ कर के लाओ सब चिड़ई चुरूं राजा के दरबार में पेश एगो बुद्धि रह चिड़ई है ओकर मरद बुद्धा है छोटकी छोटकी ना चिड़ई हो जी सब बुद्धिया कहला तुम हम ही तक अंडा कहिए बड़ी राजा बोलोगे बा अब काज में कौन सजा दे बुधवा कहला तू जो राजा पूछिए कि ओली के बाकी बात तो कहिए कि हमार मरद बुद्धा बाकी बा वो दिल्ली गई बन संसद भवन में नहीं बुधिया राजा पूछलन कि सब चिड़िया लो आ गल बनो बुधिया कल सुना गई हमार मरद बुद्धा गई बड़े दिल्ली संसद भवन में कहे खाती के गई बड़ा तो कलस कि भाई अब तो वही है ना बताइ हम बुद्धा चिड़ई के बुलावर के पहुंचल राजा के दरबार में राजा पुत्र के संसद भवन में का गई रहला हो तब बुद्धा चिड़ई कलस की संसद भवन में वो बिल पास भइल रहो
ये धरती पर मरद ढेर हो, मरद के जनसंख्या ढेर बात मेहरारू के, तो उनमें ये फैसला भइल कि जनसंख्या में मरद के गिनती कम बा, मेहरारू के संख्या ढेर बा। और का भइल, गुड्डा कहले सुबह में ये पास भइल कि जेवन मरद अपनी मेहरारू के बात मान ली, वहू के गिनती मेहरारू में हो जाए। राजा कह रहे हला तब तो मेहरारू की लाइन नहीं है, कहे कि सारे चिड़िया चले जाए, चले जाए कुछ नहीं होगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी। सगरी चिड़िया इस रूम चल गई, फिर गया अठना बिठना ना बोला। जोले राजा वो चिड़ई के पता न लगे वो जमरी मुट्ठी पे हगले पे पता न लगे वो ना रहा आई न सुतब अठना बिठना लोग रानी फिर दोबारा बुलावे के सगरी चिड़ई इस रूम के वो बुद्धियो आई कलस लो अभी वो रजवा को बोले बा कलस लाई दे कि फिर कोई बार संसद भवन में सगरी चिड़ई इस रूम में इकट्ठा भयो। राजा कलम सब आ गई, बुदिया कलम समाज मारत नहीं कर सबसे दौर में गई बोला कलम बुलाओ। कैसे बुधवार पहुंचल, राजा कलम की पता लगाओ आखिरकार केवल सी रही रंगन रानी के साड़ी को गंगा के लिए। बुधवार कलम से राजा को बात पूछी, कहा कि पूछो अगर सच्चाई बताई मुंह के कान का है कहल जाए कला आदमी बदल के मतलब मुंह के कान बन सही ये बता राजा मुंह के कान कहे कहल जाए। राजा कहले कर मतलब अरे कलिया कहला कि सब जाओ कोनो गलती नहीं है, आज वही मुंह से कहा तरह की पता लगावा कौन सी गंदा के लिए यही के मुंह के गाल बनावर कर दला। जब फैसला कर दिया तो कर दिया, राजा का फैसला फैसला होता है। उठावला सराजावा गंजा लागर वही रानी राम के पूछे मारक मारक उनकर टुकड़ा दिला। राजा हो तो ऐसा, ये घर के राजा, हमनी के देश के राजा, प्रदेश के राजा, केवल झूठ बोलना झूठाई में इतना झूठ बोलने वाला है धरती पर हमने आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा। बड़ा झूठ छोटा झूठ, जोगी से बड़ा झूठा कोई नहीं।